वाहेगुरु जी की फतह। सत श्रीकाल, नमो बुधाए जी मनवास साथी, असलम साथी वाहे सुमाना उतानी चैनल पर आपके साफ सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका साथी, जब सभी जानते को उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वाहे सुमाना होता उठाता है। तो साथियों, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। सत श्रीकाल, नमो बुधाए जी मनवास साथी, असलम साथी वाहे सुमाना उतानी चैनल पर आपके साफ सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका साथी, जब सभी जानते को उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वाहे सुमाना होता उठाता है। तो साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि चारों तरफ जो है, जब ऐसा कुछ होता है दुनिया के अंदर कि जब चारों तरफ हाहाकार मची हो और बहुत कुछ चलता रहता है दुनिया के अंदर, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं खबरें नई अच्छी। गर्जना के नौवे वृद्धापन दिन के उपलब्ध में उड़ान के नवनियुक्त अध्यक्ष जी माननीय सांसद डॉक्टर किरीट प्रेम जी भाई सोलंकी जी, उनके इस महासंगठन और एससी एसटी के लोगों के विकास कार्य के लिए सोलंकी साहब को वंदन करते हुए उनका अभिनंदन किया। अच्छी खबरें आ जाती है सामने। तो एक संगठन है गर्जना जन क्रांति संगठना, इनकी ओर से एक प्रोग्राम मनाएगा जिसमें 15 तारीख में जो है, फरवरी की 15 तारीख को मनाएगा। और इसमें प्रेस नोट जारी किया है, साला के बच्चों संग बांटी खुशियां, यानी कि बच्चों के संग में जो है इन्होंने खुशियां बांटी है। तो हमारी आज इनसे बात भी हुई थी है, तो इनसे बात होने करने के बाद में हमने इनसे पूछा कि भाई आप कहाँ से, तो इन्हें बोला नागपुर से हैं। तो नागपुर में तो हमने कहा भी बड़े बड़े नाग बैठे हैं वहाँ पर, जैसे आरएसएस वाले जो डसना चाहते हैं, पूरे भारत को खा रहे हैं। तो वहाँ पर एक नागपुर के अंदर बैठ कर के जो बाबा साहब के कहते, उन्होंने हमने बात की जब उनसे, इनके आप जो फोटो भी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सभी के सभी वहीं के फ़ोटो हैं। तो ये बात करते करते हमें ऐसा पता लगा कि भाई जो बाबा साहब के ये जो इन्होंने संगठन बनाया है, जो गर्जना जन क्रांति संगठना, ये मतलब अनुसूचित जनजाति जनजाति के लिए काम करते हैं। तो ये मतलब एससी एसटी के लिए काम करते हैं और जागरूकता का काम कर रहे हैं। जब हमने इनसे बात करी फ़ोन पर, तो ऐसा बोला उन्होंने कि हमें बहुजन समाज के जो एससी एसटी के जो लोग हैं उनके लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं और करना हम करेंगे। तो ऐसा लगता है कि हमें जो हम चल रहे हैं लेकर के मिशन को, एक जो मिशन को लेकर चल रहे हैं कि जो बहुजन समाज का जो आज दुर्दशा है, आज जो हम मैं खुली बात बोलता हूँ कि जो बहुजन समाज की दुर्दशा, आज बहुजन समाज के संगठनों के का जो लीडर हैं उनके कारण हुआ है दुर्दशा है कि जो भारत में जो चल रहा है सारा कुछ ऐसा है, बहुत गड़बड़ चल रहा है। जो संगठन जो लीडर बने बैठे हैं, जो घमंडी लालची हैं बहुत सारे, 99% तो घमंडी लालची के कारण बहुत खराब हुआ। तो ये ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात करने का मतलब है कि जो मतलब ये जो संगठना गर्जना जन क्रांति संगठन, ऐसे मेरी बात हुई इनसे, तो ऐसा लगता है कि हमने जो सपना सजाया है अपना, भारत को जात पात से निकालना, भुखमरी से निकालना, जो गरीबी से निकालना, तो इन लोगों के सहयोग से हम निकाल पाएंगे। तो हम इसमें करना चाहते हैं, अगर हमारा पुलिस वाले साथ देते हैं, मिलिट्री वाले साथ देते, तो हमारे लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। हम एकदम प्लान हमारा ये है कि भारत को हम भुखमरी से, जात पात से, गटर से कैसे निकालेंगे। हमारा प्लान ये है कि जैसे हमने सिर्फ पैसे के बिना तो कोई काम चलता नहीं है, तो पैसे के बिना काम नहीं चलेगा तो पैसा कहाँ से आएगा। तो हमने एक प्लान ऐसा किया है कि इसमें जो अगर भारत के 1 करोड़ आदमी बहुजन लोग के जुड़ जाते हैं हमारे साथ में,
तो 1 करोड़ से हम सिर्फ 100-100 रुपये डोनेशन के लेंगे, और 100-100 रुपये डोनेशन का लेंगे, ये NGO के थ्रू काम होगा, कोई भी काम डॉक्यूमेंटेड डॉक्यूमेंट के अंदर ही होगा, कोई डॉक्यूमेंटेड सवाल नहीं होगा, डॉक्यूमेंटेड काम होगा सारा, कोई मतलब फेक काम नहीं होगा इसमें, सच्चे ईमानदार लोग काम करेंगे। तो हम इसमें प्लान हमारा ये है कि हम जब 1 करोड़ आदमी हमारे पास में 100-100 रुपये हमें देंगे, तो हमारे पास 100 करोड़ रुपये होगा, तो 100 करोड़ हम करेंगे क्या? तो जैसे नागपुर है, मतलब नागपुर में जो हम बनाएंगे बहुत बड़े बड़े 5 हॉस्पिटल बनाएंगे इसमें मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में, तो 5 बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाएंगे जहाँ पर लोगों का इलाज फ्री हो जाएगा, 5 बड़े बड़े विश्वविद्यालय जहाँ पर एजुकेशन फ्री हो जाएगी, और 20 करोड़ में हम देंगे, ये 50 करोड़ का होगा तकरीबन खर्चा, और 20 करोड़ में हम देंगे वो नौजवानों को रोज़गार, जो नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए 5 फैक्ट्री करते हैं खड़ी है, छोटी छोटी खड़ी है फैक्ट्रियाँ, और 10 करोड़ में हम दें, 10 करोड़ में हम रखेंगे उनके लिए जो इनके घर बार टूटे फूटे पड़े हैं उनके लिए घर बनाने के लिए, 5 करोड़ में हम देंगे उन लोगों को जो पैसा इकट्ठा करके देंगे उनको, और 10 करोड़ से हम बनाएंगे फिल्में नाटक अच्छे अच्छे जो मतलब जो मानवतावादी संदेश जाए, और जो है 5 करोड़ हम देंगे टैक्स वगैरह जो भी जाएगा इसमें टैक्स, तो 100 का 100 करोड़ हर महीने आएगा, 100 करोड़ हम खर्चा करेंगे। लेकिन बहुजनों के हम पूरे अगर 31 महीने हमारे पास, 31 महीने में अगर पैसा हमारे पास आ जाता है कि किसी मतलब, तो हम क्या कर सकते हैं भारत को 31 महीने में पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 देश बना सकते हैं, जात पात से मुक्त, भूखमरी से मुक्त। तो जब देख एक छोटा इसमें बात रखे थोड़ी हम बात बताते हैं, जब इंसान जो है इसमें देता है मतलब जो एक मतलब एजुकेशन के ऊपर और हेल्थ के ऊपर अगर इंसान का खर्चा तकरीबन आता है 20,000 रुपये तकरीबन साल का आ ही जाता होगा खर्चा, तो 20,000 में से सिर्फ देना कितना पड़ रहा है उसको, सिर्फ 1,200 रुपये डोनेशन के देने पड़ रहे हैं साल के, तो इसमें 8,800 घर में बैठे बच रहे हैं इसको, तो इसमें हर महीने हम इसमें मतलब हर स्टेट में 5,000 लोगों को इसमें रोज़गार मिलेगा, तो पैसे से सारा काम होगा। तो अगर बहुजन समाज हमें 1 करोड़ आदमी 100-100 रुपये डोनेशन देता है, तो गारंटी के साथ कहते हैं कि तकदीर बदल देंगे, भारत की हम तस्वीर बदल देंगे, ऐसा काम करेंगे दुनिया की दुनिया याद करेगी। पुलिस वाले अगर इसमें हमारा साथ देते हैं उनका बहुत धन्यवाद होगा, और मिलिट्री वाले साथ देते हैं तो हमें उनका भी धन्यवाद करते हैं। तो इन्होंने जो खुशियाँ बांटी हैं इनके साथ में, बच्चों के साथ में, ये मतलब गर्जना जन क्रांति संगठन वालों ने, तो हम इनका स्पेशल धन्यवाद करते हैं, ऐसी खुशियाँ बांटते रहें। बस हम इतना कहना चाहते हैं, कोई काम कैसे कर रहा है, कोई जन को, कोई बहुजन को जगाने का काम कर रहा है, कोई बहुजनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा, तो हम सब के अपने तरफ से वायसो मानव की तरफ से उनको बधाई भी देते हैं, और उनको सर्टिफिकेट भी देते हैं वायसो मानव की तरफ से, ताकि उनका मान सम्मान किया जा सके। तो हम इनका जिन्होंने इतना बड़ा कदम कर उठा रखा है, और उम्मीद भी करते हैं इसमें मिशन में हमारा साथ देंगे, वॉइस ऑफ मानवता पूरे विश्व के लोगों की आवाज़ उठाएंगे, सबकी आवाज़, गरीबों की आवाज़। और ये फोटोवां कितनी सोहनी आए हैं, कितने सुंदर है जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, कितने बड़े प्यार से उन्होंने फ़ोटो खींच किए। तो हम सबको पुलिस वालों को बधाई देते हैं, और जितने भी इसमें इनकी फोटो आए हैं सबको बधाई देते हैं कि अच्छे काम के लिए, आप सभी को बधाई। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, सलाम, जय जो, थैंक यू।